मुझे इस होटल की सबसे अच्छी बात लगी, काफ़ी खूबसूरत है ये। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह का भी 9:30 बज रहा है और ये वीडियो मैं दार्जिलिंग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इस वक्त हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। चलते हैं, शायद केविंटर्स जाएंगे और अपना जो ब्रेकफास्ट का जो रिव्यू है वो अभी मैं शेयर करूँगा। पॉपुलेशन से दूर, अपने शहर से दूर, अपने बिजी लाइफ से दूर, पहाड़ों पर अपना ब्रेकफास्ट को इंजॉय करने जा रहे हैं। रिकॉर्डिंग फोटो लेना कैमरामैन, रिकॉर्डिंग ये फोटो लेकिन बड़ा जबरदस्त लेते हैं। कैंडिड फोटो लेना चाहते हैं। मेरे सामने कैवेंटर्स दिख रहा है। एंड नाउ आई जस्ट कम बिहाइंड द कैवेंटर्स एंड लेट्स गो इनसाइड द कैवेंटर्स। केवेंटर्स है जो वो कोलकाता में भी हमें बहुत सारा प्रोडक्ट्स केवेंटर्स का मिलता है। कोलकाता में या पूरा इंडिया में, पूरे इंडिया में केवेंटर्स का प्रोडक्ट्स हमें मिलता है, जैसे कि चिकन का कुछ आइटम्स वगैरह, सॉसेज वगैरह और जैसे लॉलीपॉप, चिकन लॉलीपॉप, वैसे बहुत सारे जो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स और फॉलोअर्स ने भी मुझे रिकमेंड किया कि मैं केवेंटर्स ज़रूर जाऊँ। तो जनाब मेरा फ़ोटो खींच लें। सो लेट्स हैव अ लुक ऑफ अ मेन्यू कार्ड। मेन्यू कार्ड में क्या क्या अवेलेबल है मैं बताता हूँ। बेवरेजेस है, बेवरेजेस है नॉर्मली जो दार्जिलिंग टी, ऑब्वियसली यहाँ का फेमस है दार्जिलिंग टी, ग्रीन टी, कॉफ़ी, सेक कॉफ़ी, फलाना ढिंकाना। ब्रेकफास्ट है, वेजिटेरियन स्नैक है, नॉन वेजिटेरियन है और तो मैंने ऑर्डर करी है ये चिकन सॉसेज, चिकन सॉसेज और एक टोस्ट, ब्रेड टोस्ट, और उसके साथ ये सॉसेज के साथ ही फ्राइड एग उसके साथ ही आता है। तो ये चिकन सॉसेज और फ्राइड एग और ये टोस्ट और ये भाई साहब एक चीज़ बर्गर ऑर्डर किया है और ये जनाब भी चीज़ बर्गर और एक सैंडविच और एक जनाब सैंडविच ऑर्डर किया है। तो मैं टेस्ट करता हूँ, बताता हूँ कि कैसा है। सैनिटाइजर लाया है? सही है, आ रहे प्राइस भी बहुत रीजनेबल है। ये फ्राइड एग और ये चिकन सॉसेज है 170 का।
आप देख सकते हैं यहाँ रणबीर कपूर और ये इलियाना डिक्रूज का कुछ फोटोज है। दैट मीन्स दार्जिलिंग में उनका जब बर्फी दार्जिलिंग में जब उनका मूवी बर्फी का शूटिंग हुआ था तो ये इसी रेस्टोरेंट में शूट हुआ था। कुछ कुछ मूवी के क्लिप्स हैं इस रेस्टोरेंट के केविंटर्स का, तो दैट्स वाई उसमें पिक्चर जो है वो रणबीर और इलियाना का कुछ फोटोज थे उस रेस्टोरेंट में। वैसे दार्जिलिंग में बहुत सारे मूवीज़ का शूटिंग हुआ है, जैसे बर्फी है, मैं हूं ना है और यारिया है, बहुत सारे मूवीज़ हैं। सो नाउ इट्स टाइम टू चेक आउट फ्रॉम दिस होटल, द होटल तिब्बत, तिब्बत होम्स हमारे होटल का नाम था, जिस होटल से मैं अभी चेकआउट करके निकला हूँ। और मैंने इंटेंशनली अलग अलग होटल्स में बुकिंग करी है क्योंकि ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ यहाँ के अलग अलग होटल्स का जो कमरा है, अलग अलग होटल्स का जो एम्बियंस है वो कैसा रहता है, और ताकि अलग अलग मैं रिव्यू भी दे सकूँ। एक ही होटल में रुके रिव्यू भी एक ही तरह का मिलेगा, एम्बियंस भी एक ही तरह का मिलेगा और एक्सपीरियंस भी एक ही तरह का मिलेगा, तो अलग अलग एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर पाऊँगा। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट होटल, उस होटल का नाम है ग्रेस होटल समिट। और इस होटल के लिए, लास्ट होटल के लिए मैंने पे किया था 1900 रुपये, और उस होटल के लिए मैं पे करूँगा, वीडियो पूरा देखिए, मैं लास्ट में बताऊँगा मैं कितना पे करूँगा उस होटल के लिए। वो होटल का फोटोज़ बहुत अच्छा है, एम्बियंस बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, व्यूज़ भी बहुत अच्छा है। सो लेट्स गो टू दैट प्रॉपर्टी, वो भी क्लॉक टावर से कुछ ही मीटर पे है। तो आई एम गोइंग टू ओपन माई गूगल मैप। सो नाउ आई केम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का नाम है होटल समिट ग्रेस। और इस प्रॉपर्टी के अंदर मैं जाकर दिखाता हूँ। ये पूरा फर्नीचर वुडन है, और मैं अपने पहले रूम को दिखाता हूँ। रूम में घुसते ही सबसे पहले बाथरूम है, लेफ्ट साइड ये है बाथरूम। ये शॉवर जेल, ये शैम्पू और ये बॉडी लोशन, और एक हैंडमेड क्रीम सोप, और एक ड्रायर, हेयर ड्रायर। और इंटीरियर डेकोरेशन आप देख सकते हैं पूरा वुडन है, जो कि एक थोड़ा अलग थीम है बाकी सारे होटल से। ये इंटीरियर आप देख सकते हैं, ये पूरा वुडन है। एक टीवी है, और यहाँ पे कुछ कॉफ़ी है, शुगर है, कुछ टॉफ़ी है, एक इलेक्ट्रिक केटल है, दो कप है, बट जनाब ने कॉफ़ी एक ही दिया है, चलिए कोई नहीं। पानी है, एक कैमरा है, कैमरा एक्चुअली मेरा है। और यहाँ से बाहर का मैं नज़ारा आपको दिखाता हूँ। ये मेरे रूम का बाहर का नज़ारा है, और चलिए दूसरे रूम में चलता हूँ। चाबी ये कहाँ होती है, और ये दूसरा रूम है, इतना ऊंचा है लेकिन अच्छा है, वुडन है, सब कुछ अच्छा है, बट अलग एक्सपीरियंस है। और ये देखिए रूम में एक सबसे अच्छी चीज़ है, रूम में एक हीटर भी है यहाँ पे। अब मैं रूम के बाहर जाता हूँ, बाहर का सीन दिखाता हूँ। ये है रूम का बाहर, कुछ इस तरीके का दिखता है, अच्छा है, ठीक ठाक है। अब मैं बताता हूँ इस रूम के लिए मैंने कितना रुपया पे किया। तो इस रूम के लिए मैंने पे किया 4900 रुपये दो कमरों के लिए,
यानी तकरीबन 2450 रुपए एक रूम के लिए, और जिसमें से एक कमरा अपना ये है, दूसरा कमरा ये है। ऊपर का भी देखिए नज़ारा काफ़ी अच्छा है, बहुत खूबसूरत होटल है। और मैं अपना रूम दिखाता हूँ, मेरा रूम यहाँ से दिख रहा है, ये है मेरा रूम। और मेरा दूसरा रूम ये रहा, और मेरे पीछे है आई लव दार्जिलिंग, काफ़ी अच्छा है। ये वो जनाब काउंटर वाले जनाब जिन्होंने चेक इन किया अभी है, उनका कहना था इस चेयर और टेबल को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, हालांकि शाम को कॉफ़ी वॉफ़ी पीने के लिए एक बहुत सुइटेबल प्लेस है। तो मैंने पे किया 4900, और पिछले होटल में मैंने पे किया था 1900 रुपया, तो बनता है ये। मुझे इस होटल की सबसे अच्छी बात लगी, काफ़ी खूबसूरत है ये। तो चलता हूँ अपने रूम में। कुछ क्या हुआ? डिस्पोजल ग्लास क्या कर रहा था? यहाँ से मैं चाहे अंदर भी जा सकता हूँ। तो चलिए अपना रूम में अब चलता हूँ। ये क्या करना, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अरे कर दो यार, इतना तो कर ही सकते हो। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में।